हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मोशन चैप्टर से। तो देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए, पहले स्टेटमेंट को ढंग से समझ लेते हैं। ये बोलता है एक बस है जो रेस्ट, पहले रुकी हुई थी, फिर स्टार्ट होती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उसका एक्सेलरेशन है। कितनी देर के लिए चली? 2 मिनट तक के लिए चली वो। तो फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। तो 2 मिनट तक अगर 0.1 एक्सेलरेशन से चलती रहेगी जो बस जो है, तो 2 मिनट के बाद उसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखें गिवन। तो देखिए, गिवन में हमें एक्सेलरेशन दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और टाइम दे रखा है 2 मिनट का। तो देखिए, इसको 2 मिनट को हमें सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम सेकंड में है। जब डिस्टेंस मीटर में होता है तो टाइम सेकंड में होगा, और वेट जो है वो ग्राम में होगा। तो इसको सेकंड में चेंज करने के लिए सिंपल है, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 सेकंड ये आ गया। तो ये दो चीज़ें हमें दे रखी थी, और उसके बाद स्टार्टिंग से क्योंकि चल रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका यू हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, तो वो भी हमें दे रखा है। अब बोल रहा है स्पीड कितनी होगी। तो इसके लिए देखिए, सोल्व करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि हमारे हमें जो है ए एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, यू भी, तो हमें वी निकालना है। तो सिर्फ अननोन टर्म एक रहनी चाहिए, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू यू है 0, एक्सेलरेशन है 0.1 मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा हमारा 120 सेकेंड जो है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 0 प्लस 12, तो ये आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो ये बोल रहा था, द स्पीड एक्वायर्ड, वो हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो जाएगी उसकी। अब देखिए, दूसरा वाला जो पॉइंट है इसमें बोलता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो कितना डिस्टेंस तक जाएगा? तो देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर से वही चीज़ कि भाई यही वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, वी स्क्वायर माइनस से यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एस, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? तो यहाँ पे हमें यू जो है वो हमें पता है, टाइम भी हमें दे रखा है, एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा 0.1। तो इस तरह से हमारा फाइनल जो कितना डिस्प्लेसमेंट या कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा वो हमें निकल जाएगा। तो यू हो गया 0, और टाइम था 120 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन हमारा 0.1, और टाइम हमारा 120 का स्क्वायर। तो ये तो मल्टीप्लाई होकर आ गया 0, और इसमें बचा ये 0.1 इंटू 120 का स्क्वायर अपॉन 2। और इस पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 720 मीटर। तो यहाँ पे आ गया आंसर कि डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस ट्रेवल जो करेगा वो कितना हो गया, 720 मीटर का। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और किसी और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो क्वेश्चन को लिख दीजिए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।